नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हम सब के अपने YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब? सो आप सबके लिए कुछ अपडेट्स हैं फॉर MTS 2019, ऑब्वियसली फॉर इनकम टैक्स दिल्ली मुंबई एंड सर्वे ऑफ इंडिया के भी आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। जॉइनिंग लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, अटेस्टेशन फॉर्म एंड आपके CWC फरीदाबाद से भी आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो भी देखते हैं। ये लेटर है आपका इनकम टैक्स दिल्ली से, इसमें अटेस्टेशन फॉर्म है, आपकी दो कॉपी अटेस्टेशन फॉर्म के लिए बोली गई है और दो करेक्टर सर्टिफिकेट बाय टू डिफरेंट गजटेड ऑफिसर। ठीक है, और वन सेट ऑफ जेरोक्स ऑफ योर सर्टिफिकेट, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, PWD कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, और बाकी सभी आपके जो भी हैं इसमें वो मांगे गए हैं कि आप वेरीफिकेशन के लिए आओ एज़ यूजल। अब वो आप सभी के लेटर्स में आपने देखा होगा, चाहे आपका ईमेल से आया है, चाहे आपका पोस्ट से आया है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मांगी जाती हैं आपसे और वही सभी चीज़ें देखी होती है कि भाई ये आपके ग्रेड पे होगा, ये सभी आपको लेके जाना है। ठीक है, बाकी डाउट्स हैं तो आप वो ग्रुप में पूछते ही रहते हो एंड कमेंट्स में भी हम आपका रिप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या बाकी अदर है उसके बारे में, एक करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एंड यही सभी चीज़ें जो आपके आई हैं। ये किसी अदर यूट्यूब चैनल से किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि MTS का वर्क कैसा होता है, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया था। ठीक है, ये किसी और कैंडिडेट का MTS का इनकम टैक्स दिल्ली से। तो अभी आपका कुछ एक और डाउट्स हैं आपके, ये इनकम टैक्स मुंबई से। तो इनकम टैक्स मुंबई के भी आपके लेटर्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड ये क्वेश्चन है कि जो आपके लेटर्स आने स्टार्ट हुए हैं उसमें आपके डेट दी हुई है कि 9 सितंबर से पहले पहले आपको ज्वाइन करना है। तो भी काफ़ी कह रहे हैं कि भाई जो हमारा DV होगा इसके साथ ही करा देंगे, 2-3 दिन बाद करा देंगे, क्या हमें अपना सामान लेके जाना चाहिए? तो अभी नहीं कराने वाले, वो 9 अगस्त वाला रिप्लाई इनका सेम है, उसके बाद ही कराएंगे ये 203 वीक में, और 9 सितंबर तक तो आपकी करा देंगे, मतलब अगस्त एंड में आपकी करा देंगे और बाकी जाने के बाद ही पता चलेगा कितने टाइम में कराते हैं। देखिए, ये आ गया आपका, मैंने अभी दिल्ली में आए हैं, कल या परसों तक सभी रीजन्स में आपके आ जाएंगे, सभी स्टेट्स में एंड गांव तक पहुंच जाएंगे आपके लेटर्स। स्पीड पोस्ट से आया है तो ऑब्वियसली दिल्ली में पहले आएगा, दिल्ली और नियर बाई रीजन्स में। ठीक है, एंड ये लेटर का कंप्लीट किसी ने भेजा अंदर जो भी है, और ये रहा लेटर का अंदर का हिस्सा, ये किसी ने अपने अटेस्टेशन फॉर्म कम्प्लीट कराए। ठीक है, एंड ओबीसी सर्टिफिकेट का इश्यू है इसमें कि OBC सर्टिफिकेट कब तक वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अमनदीप धीमान जी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो उन्होंने इनकम टैक्स के मेल पे मेल किया, उन्होंने पूछा कि काफ़ी कैंडिडेट्स का जनवरी 2021 में इशूड OBC सर्टिफिकेट है, बिल्कुल है, और क्या ये काम करेगा या नहीं, और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो उनका सिंपल सा रिप्लाई है, येस दैट वुड वर्क। ठीक है, मतलब ये कर जाएगा। अब कुछ डिपार्टमेंट आपके परेशान भी करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, आपको ज़्यादा चाहिए, मतलब वो एग्जैक्ट वही डेट का चाहिए, क्रूशल डेट का चाहिए, या EWC सर्टिफिकेट वो आपको वही चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट ये भी बोलते हैं आपको चाहिए तब का बना है लेकिन आप नया बनवा के दीजिए, वो अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग है। ठीक है, तो ओवरऑल डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे मानते हैं, कैसे आपका सर्टिफिकेट चाहिए उनको। ठीक है, और काफ़ी कह रहे हैं कि ये सील ज़रूरी है या नहीं। देखिए, वो कह रहे हैं ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा गजटेड ऑफिसर है जिससे आपने अटेस्ट कराए हैं और उसके पास ये सील है ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये ऑफिसर की नहीं होती है सील, ये ऑफिसर की नहीं होती, पूरे उस ऑफिस की होती है, उस हॉस्पिटल की होती है। ठीक है, और कहीं कहीं ये ऑफिसर की भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है ये। हाँ, वो मेंशन करेंगे यहाँ पे, वो मेंशन करेंगे, बट आपका जो भी गजटेड ऑफिसर है उसको पता होता है कि उसके पास क्या हो, क्या सही है, साइन एंड उसके स्टैम्प एनफ है। अभी जो भी है आप लेके जाएं, कोशिश करिए कि राउंड सील आ जाए, बट नहीं भी है तो डोंट वरी। सो अभी यही कुछ अपडेट्स थे, मेरा आपका मेरा लेटर नहीं आया, जैसे मेरा लेटर आता है तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर डाउट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है या हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मुंबई का ग्रुप है या महाराष्ट्र का ग्रुप है, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लें और जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पूछते रहें, एक दूसरे के जवाब देते रहें एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन ना करें। एक बार ग्रुप चेक करने की थोड़ी कोशिश करें कि उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, सर्च बॉक्स में जा सकते हैं आप, कीवर्ड डाल सकते हैं तो आ जाता है उससे,
एंड उसी के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और रिप्लाइज भी मिलेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो इस वीडियो को ये एंड करते हैं, इतना सा ही अपडेट था आपके लिए, लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स एंड फ्यूचर वीडियोज़। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।